दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी बातें संध्या टोपनो जी की माँ ने बताया है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। जिस संध्या टोपनो ने अपनी जान की कुर्बानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किया हो और उनके माँ को अगर दर दर भटकना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये दुखद है और ख़ास करके उन पुलिस कर्मियों के लिए शर्मनाक है जो लोग इस सेवा में हैं। हमारे पास मामला संज्ञान में आया, निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मामले पर चर्चा करूंगा और उनका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। और अभी हमने अधिकारियों से बातचीत भी की है कि अब तक उनको एक जो शहादत हुई है शहीद का दर्जा उनकी माँ मांग रही है। अरे ये तो अपने आप करने की बात थी, तो ये दुखद है। इस तरह की बातों को नहीं हो उसके लिए हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द से जल्द इनको इनकी जो बात है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तभी हम सचमुच में ये कह पाएंगे कि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी को हमने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। नहीं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो अपना घेरा खो दिए, लेकिन अब तो उसको तो ला नहीं सकते हैं। हम काम के लिए कि काम सब अभी तक नहीं हो रहा है, मंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। सरकारी प्रावधान के तहत जो मिलता है नौकरी या फिर उसके एवज में कुछ नहीं मिला है अभी, मुआवजा कुछ नहीं अभी तक, लगभग एक साल हो गया। हाँ 9 महीना हो गया। क्या कुछ सरकार की ओर से कुछ कहा गया? नहीं। उम्मीद है आप लोगों को? पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार ही जानती है। कोई तकनीकी अड़चन आ रही है क्या नौकरी देने में? नहीं, नौकरी जैसे मेरी 2 बेटी थी तो एक बेटी तो चली गई, बड़ी बेटी है और शादीशुदा है। अब जो बेटी मेरी थी वो तो हमको देखती है, वो तो ये नौकरी कर रही थी अपने शौक से कि हम नौकरी करेंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उतना ईमानदारी से करना चाहती थी, वही हमको देखती। वो नहीं है तो बड़ी बेटी तो कर सकती है ना, हमको देख सकती है, अभी भी मेरे पास है, वो हम ही को देखती है। माजी, आपने पहले भी कहा था कि वो मेरे बेटे की जिस तरह थी, बेटा थी मेरा, बेटा बेटी नहीं थी वो। ठीक है, क्या लगता है कि उम्मीद है आगे कुछ? सरकार अगर चाहेगी तो हो। आपका नाम है? सुनील अकबर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।